मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा और आज की इस वीडियो हम लोग इसी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ, फुल डिटेल्ड रिव्यू करने वाला हूँ और आपको लास्ट में अपने ओपिनियन दूंगा कि आपको इस कॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कॉलेज में आपका एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आप क्लियर होने वाले हैं कि आपको इसमें पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस कॉलेज के बारे में सबको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो कहीं भी स्किप मत, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस कॉलेज के बारे में। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे हम लोग MIT के नाम से भी जानते हैं। ये एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया में। जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं उसमें से इसका भी एक नाम है, उस लिस्ट में इसका भी एक नाम है। ठीक है, इस कॉलेज को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है बच्चों के द्वारा और बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा रिनॉर्ड कॉलेज है, इसका नाम बहुत सुनने को मिलता होगा। ये कॉलेज आपको कर्नाटक में सिचुएटेड है और हम लोग आगे इस कॉलेज का डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हम इस कॉलेज का यहाँ पे इस वीडियो में कैंपस रैंकिंग, फीयर स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ डिस्कस करने के बाद मैं आपको ओपिनियन दूंगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गेट कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। अगर आपको कॉमेडके के WBJEE, MHTCET, MIT, SRM, VIT या फिर इंडिया के किसी अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए या फिर आप अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं इनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। फाइनली हम इस कॉलेज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये कॉलेज हम बात करने वाले हैं आज मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे हम लोग MIT भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपस के बारे में। तो इसका कैंपस 1957 बना था, उदुपी करकला रोड में है इसका कैंपस, ईश्वर नगर मणिपाल कर्नाटक में। ठीक है, मणिपाल एक जगह है, वहाँ आपको ये कॉलेज है सिचुएटेड कर्नाटक में। ठीक है, दोस्ती के नाम पे इसको रखा गया है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, MHEE से अफिलेटेड है, मतलब मणिपाल एसोसिएशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये इससे अफिलेटेड है इसका और AICTE NBA अप्रूव्ड है। इसका जो कैंपस है, जो टोटल जो इसका एसोसिएशन का जो कैंपस है मणिपाल एसोसिएशन का, वो 313 एकड़ में फैला हुआ है और इसका जो इसमें जो MIT का कैंपस है वो 188 एकड़ से फैला हुआ है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्पेशली। ठीक है, बाकी इसका पूरा कैंपस एरिया है 313 एकड़, उसमें ही सारे ब्लॉक्स हैं, सारे अदर सारे अलग अलग ब्रांचेस के अदर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो इसी में फैला हुआ है। तो उसमें से एक है 188 एकड़ में, वो है MIT। ठीक है, इसमें इस कैंपस में आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, जिम मिल जाता है, लैब्स मिल जाते हैं, वाईफाई कैंपस मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाता है, बस सर्विस मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, AC क्लासरूम बताया गया है और कन्वीनियंस स्टोर मतलब स्टेशनरी का दुकान भी आपको यहां से मिल जाता है। तो ये हमारा कैंपस का है, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। तो कैंपस काफी बड़ा कैंपस है, काफी ह्यूज कैंपस है ये कॉलेज। इसके कैंपस के नाम पे भी जाना जाता है, ऐसा कैंपस बुलाते हैं कि बहुत अच्छा कैंपस है। मैंने बच्चों से भी सुना है, जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे कुछ दोस्त जो पढ़ते हैं, उसने बताया था कि इसका कैंपस में चिल लाइफ है, इसका कैंपस में बहुत एंजॉयमेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा कैंपस है और सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है, सब फैसिलिटीज मिलता है। ठीक है, बहुत इनोवेटिव कैंपस है, बच्चे इसके कैंपस को लेकर बहुत ज्यादा मतलब क्यूरियस रहते हैं और बहुत ज्यादा बताते हैं इसके कैंपस को लेकर। तो ये कैंपस में आपको यहाँ पे सोचना नहीं, अगर आप कैंपस लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में आपको कैंपस लाइफ भरपूर एंजॉयमेंट के लिए मिलेगा। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान देना है कि आपका पढ़ाई भी हो रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देकर चलना है। बाकी आपको कैंपस एंजॉयमेंट तो इस कॉलेज में भरपूर मिलने वाला है। यहाँ सबसे ज्यादा बोला जाता है कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो कॉलेज आता है उसमें से एक इसका भी नाम है। ठीक है, तो इसका कैंपस लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है, वो बहुत बड़ा कैंपस है। बाकी ये भी आप फ्यूचर देख सकते हैं, कुछ ये बिल्डिंग्स है और इसी का पूरा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, ह्यूज कैंपस है। ठीक है, मणिपाल में उदुपी करकला रोड में कर्नाटक में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रैंकिंग का। तो इसको 45 बीटेक NIRF रैंकिंग रखा गया है 2020 में। NIRF के अंदर में लगभग 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया के, उसमें से 45 रैंकिंग इसको दिया गया है, मतलब बहुत अच्छा रैंकिंग इसको दिया गया है। ठीक है, रैंकिंग में कोई बुराई नहीं है, रैंकिंग बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, टॉप 50 रैंकिंग में आता है ये कॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कोर्सेज कौन कौन से मिलता है। तो यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं, बीटेक लैटरल कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, MA कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं बीटेक कोर्स के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्या होगा बीटेक अगर आप करना चाहते हैं, तो हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी पे ध्यान देना होगा ताकि हम इसमें एलिजिबल हो सके। तो 12 पास होना चाहिए आपको,
50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए पीसीएम में, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एग्रीगेट मार्क्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टोटल मार्क्स आप ऐड कर दीजिएगा, उसको 300 से डिवाइड कर दीजिएगा, 100% कीजिएगा, तो वो या तो 50% या 50% ज्यादा, मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए, तभी आप इस पर एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं बीटेक के लिए, मतलब इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ दो तरीके से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एक तो हो गया एमईटी इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा हो गया इनका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। ठीक है, तो आप इनका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जा सकते हैं या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो अगर आपको मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट आपको मिल जाता है ठीक है, वरना आप चाहते हैं कि आप मैनेजमेंट कोटा को अफोर्ड कर सकते हैं और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, आपका प्रेफर्ड ब्रांच चाहिए, तो आप इनसे जा सकते हैं। आपको मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां चेक कर लीजिएगा, उनसे सब कुछ प्रोसेस सब कुछ बात कर लीजिएगा अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं। तो उससे पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोर्सेज कौन कौन से ब्रांचेज में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यहाँ से सीएससी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ईसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डेटा साइंस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से इतने सारे कोर्स ब्रांचेज आप कर सकते हैं इंजीनियरिंग के, जो भी आपका अप्रूव्ड होगा उनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स का। तो कंप्यूटर साइंस का 200 सीट्स रहता है, एरोनॉटिकल का 60 सीट्स रहता है, आईटी का 120 सीट्स रहता है, ईसीए का 200 और ट्रिपल ई का 180 सीट्स रहता है। अब इसमें डिवीजन होता है, कुछ सीट्स रिजर्व होता है एमईटी वालों के लिए, कुछ सीट्स रिजर्व होता है मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए। ठीक है, तो ज्यादा जो रिजर्व होता है वो एमईटी वालों के लिए और कुछ लिमिटेड सीट्स रिजर्व होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, मतलब डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारा सीट मैट्रिक्स हो गया हमारा। बात करते हैं हॉस्टल के बारे में, तो हमें बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों आपको मिलता है। बॉयज हॉस्टल में नंबर ऑफ बेड 9047 है और सिंगल ऑक्यूपेंसी शेयर्ड रूम के साथ मिल जाता है और कैंपस के अंदर में ही इसका हॉस्टल है आपको बॉयज का। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में बेड से 7109 और सिंगल ऑक्यूपेंसी और शेयर्ड रूम मिल जाता है इन कैंपस हॉस्टल इसका भी। दोनों के कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है और दोनों में काफी ज्यादा बेड्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उतना अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पे हॉस्टल में। ठीक है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको बेड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बेड आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कभी भी आप इसमें एडमिशन लेते हैं हॉस्टल में तो आपको आराम से बेड मिल जाएगा, यहाँ पे एक इनफ नंबर ऑफ बेड रखा गया है। ठीक है, बट बच्चे भी यहाँ पे उतना ही रहते हैं, बच्चे भी बहुत ज्यादा इसमें एडमिशन लेते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया हॉस्टल के बारे में। अब देखिए हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो एमईटी का कट ऑफ बात करेंगे हम लोग रिसेंट ईयर मतलब 2020 का, तो सीएससी का जो रहा था वो 1819 रहा था। ठीक है, 1819 पे क्लोज हुआ था। एरोनॉटिकल का क्लोज हुआ था 21099 पे और आईटी का क्लोज हुआ था 2732 पे। ईसी का क्लोज हुआ था 6483 पे। ट्रिपल ई का बात कीजिएगा इलेक्ट्रिकल का मतलब तो 13900 क्लोज हुआ था और तो यही हो गया हमारा कट ऑफ। ठीक है, रिसेंट पिछले ईयर का मतलब 2020 का इस ईयर जो एमईटी के थ्रू मतलब पिछले ईयर एमईटी के थ्रू जो भी कट ऑफ क्लोजिंग रैंक में बता रहा हूँ जहाँ पे रैंक क्लोज हुआ। ठीक है, जहाँ पे काउंसलिंग क्लोज हुआ जिस रैंक पे वो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको एस्टिमेट लग गया होगा इसके हिसाब से कि आपको कितना रैंक पे कौन सा ब्रांच मिल सकता है काउंसलिंग खत्म होते होते तक। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस अगर आपको चाहिए तो अंडर 2000 तक को रहना ही पड़ेगा, उससे बेहतर ही लाइएगा, तभी आपको इसमें क्लोज काउंसलिंग क्लोज होते होते तक आपको मिलेगा इसमें एमईटी के थ्रू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फीस के बारे में। तो अकेडमिक फीस पर बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर आपको लगने वाला है 3,35,000, सेकंड ईयर लगने वाला है सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर आपको लगने वाला है 4,57,000। तो देखिए यहाँ पे फी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है फी। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉलेज का डिमेरिट यही है, सब कुछ अच्छा दिखता है बट डिमेरिट से बड़ा ये है कि ये कॉलेज जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ से आप देख सकते हैं पर ईयर 4,57,000 सिर्फ अकेडमिक फी। ठीक है, इसके अलावा आपका हॉस्टल फी लगेगा, अकोमोडेशन फी, बाकी अपना आपका आपका अपना खर्चा, तो देख सकते हैं कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो डिमेरिट यहाँ पे इस कॉलेज का यही आता है, कॉन्स यही आता है इस कॉलेज का, बाकी प्रोस बहुत सारे हैं बट कॉन्स में एक में ये आ जाता है कि इसका फी बहुत ज्यादा है। अब इसका हम 4 साल का कैलकुलेट करेंगे कि 4 साल में कितना फी जो है इसका आता है, फर्स्ट ईयर 3.35 लाख और बाकी 3 ईयर 4.57 लाख। ठीक है, पर ईयर तो वो हमारा आया था करीब से करीब 17.06 लाख। ठीक है, 17,06,000 आपको आया था सिर्फ अकेडमिक फी है। ठीक है, सिर्फ अकेडमिक फीस 17 लाख
अभी रिसेंट डेटा है, पिछला ईयर का है, इस बार हो सकता है बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है, अभी डेटा नहीं आया है, इस ईयर का फीस स्ट्रक्चर नहीं आया है, तो पिछले ईयर के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सिर्फ अकेडमिक फी लगने वाला है 4 साल का 17,06,000 रुपीज। बात करते हैं हम लोग हॉस्टल फी, तो हॉस्टल फी हमारा 90,000 से लेकर 1.82 लाख पर एनम, तो 1.82 लाख हम लोग पर एनम मान लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटीज है, बहुत सारी ऑक्यूपेंसीज है, बहुत सारे शेयरिंग उसके हिसाब से लगते हैं आपको, तो हम मैक्सिमम मान के चलते हैं 1.82, उसका हम अगर 4 साल का निकालेंगे तो वह हमारा आता है लगभग से लगभग 7.28 लाख आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 साल का अकोमोडेशन फी, मतलब हॉस्टल फी 7.28 लाख 4 साल का, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अकेडमिक फी के साथ, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे टोटल फी आ जाएगा 4 साल का अकोमोडेशन और अकेडमिक फी दोनों मिला के, ठीक है। तो वो हमारा करीब से करीब आ जाता है, अगर आप देखिएगा अकेडमिक फी तो वो है 17,06,000 और हॉस्टल फी है 77.28 लाख, तो ये हमारा जाता है लगभग से लगभग 24.34 लाख, ठीक है, 24.34 लाख आ जाता है। करीब से करीब आप मानो चले जाए कि आपका रहने और यहाँ पे पढ़ने का खर्चा, अकेडमी ऑफ अकेडमिक फी और अकोमोडेशन चार्ज, हॉस्टल फी मिला के सब कुछ मिला के आपको लगने वाला है 25 लाख के करीब। बाकी आपका जो है आपका अपना खर्च अलग से लगेगा, बाहर का खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना तो मान के चलेगा मिनिमम तो आपको 25 लाख के करीब आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 साल के इंजीनियरिंग में 25 लाख मिनिमम लगने वाले हैं इस कॉलेज में, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं, कितना एक्सपेंस अपने पर करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा खर्चा आप कितना करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 25 लाख यहां पे बजट रखना पड़ेगा इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, इस कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए। तो ये हमारा हो गया फी, बहुत जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट जो है इसका 80% प्लेसमेंट करीब रहता है, और एवरेज पैकेज गया था लास्ट ईयर 2020 में 7.50 लाख और हाईएस्ट पैकेज गया था 43.31 लाख पर एनम, ठीक है। तो यहां पे ये डेटा हो गया, कुछ और डेटा हम लोग बात कर लेते हैं। MIT ईयर वाइज प्लेसमेंट ट्रेंड्स दिया गया है, तो ऑरेंज में जो है वो प्लेसमेंट है, इंटर्नशिप ब्लैक में, और प्लेसमेंट प्लस इंटर्नशिप जो है वो ब्लू में दिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो लगा था वो 2017 में लगा था 1748 प्लेसमेंट परसेंट प्लस इंटर्नशिप, बट जो प्लेसमेंट रहा था वो 902 रहा था और इंटर्नशिप रहा था 498। वहीं अगर 2020 का बात कीजिएगा तो प्लेसमेंट प्लस इंटर्नशिप रहा था 1400 और जो इंटर्नशिप रहा 791 और प्लेसमेंट रहा 957। ये भले कम है प्लेसमेंट बट प्लस इंटर्नशिप टुगेदर वाला, बट प्लेसमेंट और इंटर्नशिप बढ़िया है एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर रहा है इस कॉलेज का, प्लेसमेंट डेटा प्रीवियस ईयर के हिसाब से इम्प्रूव भी हुआ है। बाकी हम कुछ और डेटा देख लेते हैं। MIT सेक्टर वाइज प्लेसमेंट, तो कोर का सबसे ज्यादा यहाँ पर लगता है 83% प्लेसमेंट है 2020 में कोर ब्रांच का, IT का जो है वो 17% ही प्लेसमेंट है। तो सबसे ज्यादा यहाँ प्लेसमेंट होता है वो कोर ब्रांचेस का होता है, एज कम्पेयर जितने प्लेसमेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है प्लेसमेंट का वो कोर ब्रांचेस का होता है, उससे बहुत उससे कम होता है IT का, ठीक है। अब बात कीजिएगा MIT ईयर बाय सैलरी स्टैटिस्टिक्स, तो इस ईयर ही सबसे बेहतर रहा है जो कि रहा है 43.31 लाख मैक्सिमम, ठीक है, 2020 ब्लू में, और 2019 में गया था मैक्सिमम 49.6, ठीक है। वैसे और भी ईयर का दिया गया है, वही बात कीजिएगा एवरेज का तो 7.5 रहा इस ईयर, बाकी पिछले ईयर रहा था 7.48। तो इसका प्लेसमेंट जो है प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो रिसेंट ईयर जो हुआ प्लेसमेंट मतलब 2020 में इम्प्रूव हुआ है, तो रिसेंट ईयर्स में इसका जो प्लेसमेंट है वो इम्प्रूव हुए हैं। तो ये हमारा हो गया प्लेसमेंट का डेटा सब कुछ। बाकी इसमें बहुत सारे कंपनी जाते हैं, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फिर विप्रो, इंफोसिस, सब कंपनीज में आते हैं। तो ये हमारा हो गया सब कुछ इस कॉलेज के बारे में, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, कैंपस, रैंकिंग, सब कुछ के बारे में बात कर लिया, कट ऑफ करने बात कर लिया। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो फिर मैं बताता हूँ आपको क्लियर, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना देखना है, ठीक है। चूंकि ये कॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो आपको अपना देखना है। प्लेसमेंट अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसमेंट का डेटा अच्छा खासा है, और यहाँ रिसेंट ईयर को अगर देखें हम लोग तो प्लेसमेंट इसका इंप्रूव ही हुआ है, ठीक है। तो प्लेसमेंट में सोचने की बात नहीं है, प्लेसमेंट का अच्छा बेहतर है इस कॉलेज का प्लेसमेंट, ठीक है। और इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज भर भर के मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा मिलता है आपको, और ये कॉलेज जो है बहुत अच्छा नाम इसका मार्केट में है, तो प्लेसमेंट अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। बट देखना है आपको कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिनिमम 25
5 लाख आपको बजट होना ही चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा कम हो सकता है, डिपेंड करता है आप पे, तो इतना आपको बजट रहना चाहिए। तो आपको देखना है कि अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए वर्थ इट होगा ही, वरना आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको इस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, आपको और कोई ऑप्शन देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा, अगर मैं फी को दूर रखूँ, प्लेसमेंट देख के बताऊँ, तो ये कॉलेज वर्थ इट है। इस कॉलेज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको आउटकम ठीक ठाक मिल जा रहा है, बट देखना है आपको कि आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतना इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलेज वर्थ इट है, बट डिपेंड करता है कि आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप फी दिमाग में रखिएगा, तभी इस कॉलेज में जाइएगा, वरना ऐसे ही मत चले जाइएगा, ठीक है। तो मिनिमम 25 लाख बजट आपका होना चाहिए 4 साल। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इस कॉलेज के बारे में आपको अपना ओपिनियन दिया, सब कुछ मैंने बताया इस कॉलेज के बारे में। आई होप आपका इस कॉलेज को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा पे डीएम कीजिएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।